हमारे सहयोगी इस मैदान पर ही मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि अब समय नजदीक आ रहा है जब मंच पर बड़े नेताओं की मौजूदगी देखने को मिलेगी। ऐसे में किस तरह की गहमा गहमी बढ़ रही है? दीपक, देखिए पूर्णिया का जो रंगमोही मैदान है वहाँ पे कुछ ही देर के बाद जो है यहाँ पे जो महागठबंधन की महारैली है उसका शंखनाद होगा और धीरे धीरे लोगों का भी जो है यहाँ आना शुरू हो गया है। सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम है, हम अपने सहयोगी कहेंगे जरा दिखाएंगे किस तरह से सुरक्षा के जो पुख्ते इंतजाम है वो यहाँ पे रंगमोही मैदान में किए गए हैं और जो लोग हैं वो धीरे धीरे अब इस मैदान में जो है आने लगे हैं और अपनी अपनी जो जगह है वो कहीं ना कहीं रखने लगे हैं। और जब 11 बजे के पास से जो महागठबंधन के बड़े नेता हैं वो इस मैदान जब आएंगे और लोगों को संबोधित करेंगे तो ये एक मैसेज देने का है जाएगा यहां से कि महागठबंधन पूरी तरह से सीमांचल के क्षेत्रों में मजबूत है और आने वाले दिनों में सीमांचल का जो यहां झंडा है, सीमांचल का जो है महागठबंधन का जो झंडा है वो लहराया जाएगा। हमारे साथ में कुछ यहां पे महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वो इस रैली के माध्यम से जो आई है सुनने के लिए क्या मतलब नेताओं से जानेंगी। देखिए, मैं राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, महिला प्रकोष्ठ की, नाम हुआ डॉक्टर उर्मिला ठाकुर। ये रैली के द्वारा जो है खास करके बिहार के लोग जो 40 में से 39 सीट नरेंद्र मोदी को देने का काम किए और उन्होंने ठगा सभी को ठगने का काम किए, जुमलेबाजी करने का काम किए, प्रलोभन दे करके सत्ता में आ गए, सत्ता में आते के साथ ही पूरा पलटी मार गए अपनी जुबान से। और मैं एक महिला हूँ, महिला होने के नाते बहुत दुखी हूँ नरेंद्र मोदी जी से। इसलिए दुखी हूँ कि जो दूध बच्चे का, तेजस्वी यादव जी का ताजपोशी की घोषणा होगी, नहीं नहीं देखिए अभी वो ताजपोशी का वक्त नहीं है, अभी तो सीमांचल से जो है एक आगाज होगी 2024 के लिए कि आप सभी जो बीजेपी बनाम सारे भारत के विपक्ष 2024 में उनको सत्ता से बेदखल करने के लिए एकजुट होने की आगाज। नीतीश कुमार पीएम के मटेरियल होंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी पीएम के मटेरियल होंगे वो मेरे बस की बात नहीं है, जो मैं बोलूं छोटी मुंह बड़ी बात मैं नहीं। लोग मांग कर सकते हैं? नहीं, देखिए महागठबंधन वो हमारे नेता उस समय आप सुन लेंगे, जब होगी तो उस समय सुन लेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज देश का जो हालात है उस हालात में महिला के लिपस्टिक पर, बिंदी पर, सिंदूर पर GST लागू करने का काम किए, भारत को माँ कह के बुलाया जाता है, एक भारत की माँ को अगर पूरा, एक माँ को अगर पूरा सिंगार उतार लिया जाए तो वह कैसी लगेगी, कल्पना कर सकते हैं। तो इन्होंने भारत का इतना साख गिरा दिए कि लिपस्टिक से लेकर के बिंदी पर भी GST लागू करके बच्चों का दूध जो 500 का सिलेंडर था आज जो है 1250 में मिल रहा है। तो ये सारी आधी आबादी आज इनके राजपाट में तबाह है। ये कहते थे फ्री में सिलेंडर दिए, उजाला योजना, लेकिन जनधन योजना, तो सब ढंढन योजना हो गया। के नेता पहुंचने लगे हैं और साथ ही पहुंचने का कार्यकर्ताओं का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हमारे सहयोगी प्रफुल्ल इस मंच के ठीक सामने मौजूद है। हम फिर से प्रफुल्ल आपके पास लौटेंगे ताज़ा तस्वीरों और अपडेट्स के लिए। फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।